बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। YouTube चैनल से कारी मोहम्मद रियाज कुरैशी का सलाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तीसरा कलमा, तीसरे कलमे पढ़ने की फजीलत और तीसरे कलमे पढ़ने के फायदे और इसके इनाम कितने हैं कि आपकी गुमान से भी ज्यादा। जब इंसान तीसरा कलमा पढ़ता है, काबिले गौर बात है, जब तीसरा कलमा पढ़ता है तो उसके मुंह से एक परिंदा निकलता है। वो परिंदा समंदर में गोता मारता है, उसके 70,000 पर होते हैं। जब वो गोता मार के निकलता है तो उसके गोता मार के जब वो निकलता है, उससे परों से जितने कतरे गिरते हैं जमीन पर, उन कतरों से अल्लाह पाक फरिश्ते बना देता है और वो फरिश्ते उस बंदे के हक में दुआ करते हैं। जब वो दुआ कर रहा होता, जो उसकी तमन्ना होती है उसके लिए दुआ कर रहे होते हैं, फिर अल्लाह पाक उस परिंदे को हुक्म देता है कि परिंदे जा जन्नत में दाखिल हो जा। तो वो परिंदा कहता है कि ऐ अल्लाह, मैं हरगिज दाखिल ना होऊंगा उस वक्त तक जब तक तू उसको ना बख्शे जिसने मुझे पढ़ा। अल्लाह पाक फरमाएंगे कि ऐ परिंदे, कि मैंने तो उसको उस वक्त उसी को तभी माफ कर दिया था जब तू उसके मुंह से निकला भी नहीं था पूरी तरह, तो मैंने उसके गुनाह माफ कर दिए थे। तो अल्लाह पाक इतना रहीम और इतना करीम है कि जब इंसान तीसरा कलमा पढ़ता है, पढ़ते सारी अल्लाह पाक जन्नत के दरवाजे खोल देता है और अल्लाह फरमाता है उसके और बंदे के दरमियान सिर्फ मौत हाइल होती है। इधर अगर मौत आ गई सीधा जन्नत में। वो जो फरिश्ते जो उसके लिए दुआ कर रहे होते हैं, उसके रिस्क के लिए, उसकी उम्र के लिए, उसकी बीमारी के लिए, अल्लाह उन जो कहते हैं कि अल्लाह पाक इसकी हर आयतें पूरी कर दे, इसकी हर मुरादें पूरी कर दे, हर तकलीफ दूर कर दे, हर परेशानी दूर कर दे, हर गम दूर कर दे। अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह पाक की रहमत और उसका करम है कि जिसकी वजह से हमें ये छोटे छोटे जो अल्लाह ताला ने हमें देखने में तो ये छोटे होते हैं वजीफे, एक बार आप पढ़ें और एक बार और बेशुमार फायदे दुनिया के भी और आखिरत के भी, तो भरपूर इसका फायदा उठाओ और जितना चाहो आप पढ़ो और अल्लाह ताला जितना पढ़ोगे अल्लाह उतना ही नवाजेगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।